पीछे लाइट बंद कर देना फोन। यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए बेटा। फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज में कोई भी एग्जांपल या क्वेश्चन जो आपका डाउट है तो नंबर बोलिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 बताना सर, 11.2 का सिक्स्थ नंबर बताते हैं बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन इज उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो -2, -4, -5 से तो पास हो रहा है एंड पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है x+3/3, y-4/5, z+8/6। ये सेकेंड लाइन, ये फर्स्ट लाइन जो हमें निकालनी है। तो बेटा लाइन की इक्वेशन के लिए एक तो फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए, पता है हमें, और एक डायरेक्शन रेशियोज पता होनी चाहिए, वो ये भी। तो सेकेंड लाइन आपसे क्या कह रही है, जनरल नॉलेज, पॉइंट ऑन टू। सेकेंड के ऊपर पॉइंट कौन सा है, -3, -4, -8 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड क्या है, 3, 5, 6। सिंपल सी बात है, एक फिक्स पॉइंट ऊपर नीचे डायरेक्शन देते हैं। तो डायग्राम ड्रा करो, डायग्राम ड्रा करते ही आपको क्लियरिटी आ जाएगी बेटा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ सेकेंड। सॉल्यूशन किसके इक्वल है, 3, 5, 6। फिक्स पॉइंट ऑन वन भी पता हमें, वो क्या बेटा, -2, -4, -5। तो बस पॉइंट पता होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए, तो देयरफॉर फर्स्ट क्या बन जाएगी, फर्स्ट लाइन क्या बनेगी, x-fixed point, y-fixed point, z-fixed point over direction ratios 3, 5, 6 answer। First diagram में कोई doubt, second में कोई doubt, ratios और fixed point कैसे, third में कोई doubt, number पूछिए बेटा आप, number बोलिए कोई doubt है तो।
और बोले बेटा नंबर, जैसे बेटा कोई भी एग्जाम पर या क्वेश्चन जो आपको पूछना है। हाँ जी बेटा, एनी एग्जाम्पल और क्वेश्चन, नहीं तो पावरफुल असाइनमेंट का क्वेश्चन करवाएंगे बेटा आपको। कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन रिपीट करवाना है तो पूछिए आप। सर 12th क्वेश्चन 11.2 का। 12th बताते हैं बेटा। ये फर्स्ट लाइन है लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, हमें तो x माइनस x1 चाहिए, तो ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे माइनस वन से डिवाइड, वन चाहिए था कोफिशिएंट, तो इसके साथ जो भी उसी से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, या माइनस वन कॉमन लेके नीचे एडजस्ट कर दो। सेवन नहीं चाहिए तो सेवन से डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ये ठीक है, तो ये लाइन L1 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? ये लाइन कह पा रही है कि इस ऊपर एक पॉइंट कौन सा है, 1, 2, 3, और डायरेक्शन रेशोज क्या है, -3, 2π/7 and 2। सेकेंड लाइन हमें दे रखी है 7 - 7x, y - 5/1, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है। सेवन नहीं चाहिए तो ऊपर नीचे माइनस सेवन से डिवाइड, ये माइनस सेवन नहीं चाहिए तो वन चाहिए, वन कब आया था, माइनस सेवन से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना, माइनस सेवन से। माइनस कॉमन और नीचे एडजस्ट कर देंगे। ये एल टू लाइन थी लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको एल टू मानेंगे। फिक्स पॉइंट से भी हमें कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन रेशोज क्या है इसके, फिक्स पॉइंट से कोई मतलब नहीं हमें। क्यों? हमें तो परपेंडिकुलर देखना है, तो परपेंडिकुलर कब होंगे, इफ डॉट प्रोडक्ट जीरो, पहले को पहले से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, दैट मस्ट बी जीरो। सेवन से थ्रू आउट मल्टीप्लाई, सेवन से थ्रू आउट मल्टीप्लाई, पी का आंसर चाहिए तो पी का आंसर आ जाएगा इससे, तो
इलेवन पी इक्वल टू 70 एंड पी इक्वल टू 70 बाय 11 आंसर। फर्स्ट ये लिखा हमने फर्स्ट लाइन, सेकंड ये लिखा है सेकंड लाइन, थर्ड ये कंडीशन लिखी है। बेटा कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ लीजिए भाई। कोई डाउट है तो नंबर बोलिए बेटा आप। और पूछिए बेटा डाउट, फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में एनी एग्जांपल और क्वेश्चन, जिसका टेस्ट भी हमने मंडे को लेना है। नहीं तो बेटा पावरफुल असाइनमेंट के क्वेश्चंस करवाएंगे हम। क्वेश्चन 8 सर 11.2 का। हां जी बेटा बोलिए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 सर। क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं बेटा। कह रहे वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस पॉइंट, उस लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं और एक पॉइंट 5-2-3 से पास कर रहे हैं। वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है इसकी। एट क्वेश्चन, तो बेटा वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? वेक्टर इक्वेशन का मतलब तो क्या था बेटा? आर इक्वल टू टू बॉक्सेस। R इक्वल टू टू बॉक्सेस, बस R और लैम्डा में तो आंसर आएगा। R के xi प्लस yj प्लस zk पर लिखना नहीं है, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है। यहाँ पे फिक्स पॉइंट आएगा तो आप इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 0i प्लस 0j प्लस 0k, यानी कुछ मत लिखो चाहे, 0 वेक्टर, 0 वेक्टर ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, या इस बॉक्स में आएगा 5i-2j+3k, इन दोनों में से कोई एक लिख देना, या तो कुछ भी नहीं जीरो वेक्टर इस केस में, या 5i-2j+3k, क्योंकि यहाँ पे फिक्स पॉइंट आना था तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं दोनों ही चीजें। और बेटा पैरेलल वेक्टर क्या होगा? एक लाइन खुद के पैरेलल है, OA क्या होगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट, यानी व्हाट? 5i-2j+3k। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आना है और सेकेंड बॉक्स में क्या है लिखना, यही आंसर। जनरल नॉलेज, A और B दो पॉइंट्स हैं, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगी? वेक्टर इक्वेशन विल बी आर इक्वल टू फर्स्ट बॉक्स, यहां पे चाहे तो ओए लिख दो और चाहे ओ बी लिख दो।
OA लिखो चाहे OB लिखो, प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल वेक्टर तो AB वेक्टर लिखो। OA या OB दोनों में से कोई एक लिखो लैम्डा टाइम्स, रिजल्ट हो गए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये आंसर कार्टेशियन इक्वेशन। इसमें क्या था बेटा, x माइनस फिक्स पॉइंट, y माइनस फिक्स पॉइंट, z माइनस फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियोज होती है। इसकी जगह फिक्स पॉइंट ये भी ले सकते थे x माइनस y, ये भी हो सकता था। नीचे डायरेक्शन रेशियो सेकेंड माइनस फर्स्ट फाइव, सेकेंड माइनस फर्स्ट माइनस टू, सेकेंड माइनस फर्स्ट थ्री, ये भी फाइव माइनस टू, इन दोनों में से कोई एक। दोनों में से कोई एक, वन टू थ्री फोर, फोर या फाइव में से एक लिख के आना है, कोई डाउट? नंबर बोलिए बेटा आप, कोई डाउट है तो स्टेप नंबर पूछे आप। और बोलिए बेटा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो पूछिए आप। क्वेश्चन नंबर बोलिए बेटा, बता दिया जाएगा, नहीं तो पावरफुल असाइनमेंट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फिर बेटा फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में कोई एग्जांपल या क्वेश्चन चाहे आपको करवाया जा चुका है। सर 17 बताना, 17 बताते हैं बेटा। सेवनटींथ नंबर बताते हैं, ये है बेटा आर इक्वल टू वन माइनस टी आई, टी माइनस टू जे एंड थ्री माइनस टू टी के। ये लाइन वन, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म नहीं है। क्यों? आर का क्या मतलब था? दो बॉक्सेस लैम्डा टाइम्स, इसमें टी टाइम्स हो जाएगा, तो बिना टी वाली टर्म इसमें रख दो, टी वाली इसमें रख दो। ठीक, बिना टी वाली कौन सी टर्म है? वन, ये माइनस टू और थ्री, तो क्या आएगा? आई, वन को आई से मल्टीप्लाई, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के। सेकेंड बॉक्स में क्या आएगा? टी टाइम्स माइनस आई माइनस टू जे माइनस टू,
आर इक्वल टू, और सिंपल कर सकते हैं, अगर आप इन तीनों में से कोई कॉमन है तो आप कॉमन ले लीजिए बेटा और एडजस्ट कर दो, सिंपल हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस टी आई प्लस टू जे प्लस टू जे, तो माइनस टी एक नया कॉन्स्टेंट और बन गया टी वन। तो बस बाकी से कोई मतलब नहीं, ये लाइन बन गई आर इक्वल टू ए वन प्लस टी वन बी वन। फर्स्ट लाइन के लिए वन यूज किया, ये एल वन है। तो पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म का था दो बॉक्सेज है। सिमिलरली आर इक्वल टू जो सेकंड लाइन है वो आएगी आई माइनस जे माइनस के, एस के साथ क्या आएगा आई प्लस टू जे माइनस टू के। ये बेटा ए टू और ये बी टू, आंसर बेटा एस डी का क्या फॉर्मूला बेटा, फिक्स पॉइंट का डिफरेंस डॉट बी वन क्रॉस बी टू पैरेलल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, इनका तो डिफरेंस लेना है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। डिवाइडेड बाय बी वन क्रॉस बी टू, फिर पूरे का मॉडुलस है। कोई डाउट? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन कोई कंफ्यूजन है तो बोले आप। बस बेटा अब तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ए टू माइनस ए वन क्या आएगा, कर लेंगे बहुत इजीली। ए टू माइनस ए वन सेकंड में से बस आई माइनस आई तो कैंसिल, माइनस जे प्लस टू जे जे आ गया, माइनस के माइनस थ्री के माइनस फोर के आ गया, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। बी वन क्रॉस बी टू क्या आएगा, ट्राई करेंगे, डिटरमिनेंट ही निकालना है, बट आई जे के पहले वेक्टर के वन टू टू, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट वन टू माइनस टू, एक्सपेंड कैसे करते हैं आई या प्लस माइनस प्लस छोड़ के बाकी जो बच गया माइनस फोर माइनस फोर। जे के साथ क्या आएगा छोड़ के बाकी जो बच गया माइनस टू माइनस टू, के साथ क्या आएगा छोड़ के बाकी जो बच गया कोई डाउट है तो पूछिए बेटा।
कर लेंगे बेटे, एक यहाँ पे देखिए बेटा, आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, तो ठीक है टी के साथ क्या रहा है माइनस आई, यहाँ प्लस जे आएगा, कर लेना ठीक, मेथड यही है, प्लस जे आएगा तो यहाँ वन वन टू आएगा, वन वन टू, करेंगे बेटा ट्राई, अब बहुत इजीली कर सकते हैं। और बोलिए बेटा क्वेश्चंस, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट है तो आप नंबर पूछिए बेटा। आप पावरफुल देखिए बेटा, फिर पावरफुल एक बार बेटा फिर से ज्वाइन भी करेंगे आप, हमें अगेन ज्वाइन कीजिए।